नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद बहराइच के जरवल इलाके में भीषण कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ की तरफ से बहराइच जा रही रोडवेज बस में तेज रफ्तार ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी। वाहनों का टक्कर इतना जबरदस्त था कि चलते चलते बस पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जरवल पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां से 9 यात्रियों की हालत नाजुक होने पर बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मौके पर जिले के DM एवं SP ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया है और घर वालों और घायलों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी बहराइच ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं आज उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था, तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेष सामान्य घायल यहाँ CSC पर हैं और बाकी सारी चीज़ें इसकी जांच कराई जा रही है कि किन कारणों से ये घटना हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आकर बस से टकराया है, लेकिन अभी मेन विषय घायलों के इलाज का है और जो मृतक हुए हैं उनको सही ढंग से उनके क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।